हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में कहानी को ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। इसमें जो भी टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ उसका भी मैं चर्चा यहाँ पे करूँगा। और इसमें बहुत सारे कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन का प्रयोग किया गया है, मैं आपको डिटेल से उसको बताता चलूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप यहाँ से जल्दी इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश में जो भी अनुवाद है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में, वो आप यहाँ से जल्दी सीख सकेंगे। चलिए बिना देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। One day, a rabbit was jumping in the forest. यानी एक दिन एक खरगोश was jumping, यानी उछल कूद कर रहा था in the forest, यानी जंगल में। मैं क्या करूँगा इसे अब यहाँ पे हिंदी में लिखता जाऊँगा, ठीक है। One day का होता है एक दिन, एक दिन। A rabbit was jumping, एक खरगोश। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया एक दिन, तो ये इसका यहाँ हो गया, ठीक है। ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज आया, और वाज के बाद भर्व में, भी वन में क्या हुआ है, आई एन जी का प्रयोग हुआ है। जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद वाज आएगा और भर्व में आई एन जी का प्रयोग होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, खरगोश है, यहाँ पे अगर ई जामर का प्रयोग होता और इसके बाद अगर भर में अगर आई एन जी आता तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी उछल कूद कर रहा था या फिर उछल कूद या फिर दौड़ रहा था, ठीक है, यानी कूद कर रहा था। उछल कूद करना का होता है जंपिंग। एक दिन एक खरगोश वाज जंपिंग, ठीक है, यानी उछल कूद कर रहा था। उछल कूद कर रहा था इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में, ठीक है। यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक खरगोश एक जंगल में, ठीक है, उछल कूद कर रहा था। सडनली अचानक, अब इसको तोड़ तोड़ के बनाइएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। ही सॉ, उसने देखा, ही यहाँ पे ही के बाद क्या है, भर्व का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी क्या, सी सॉ सीन, यही होता है ना भर्व का फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, भी टू का प्रयोग हुआ है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकंड फॉर्म, यानी सॉ। ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसने देखा एक खरगोश, यानी उसने एक खरगोश देखा, उसने एक खरगोश देखा। आप इसी तरह धीरे धीरे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन यहाँ से सीख जाएंगे और कहानी का भी सार जो है और उसका जो अर्थ है वो निकालना भी सीख जाएंगे, ठीक है। उसने एक खरगोश देखा, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। खरगोश देखा, ठीक है, कमिंग टुवर्ड हिम, मतलब आते हुए, आते हुए, ठीक है। टुवर्ड मतलब क्या आता है, की ओर, मतलब किसी भी तरफ जा रहे थे तो उसको बोलते हैं टुवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, की ओर, ठीक है, यहाँ पे हिम है, हिम का हो जाएगा उससे, यानी उसकी ओर एक खरगोश को, मतलब देखिए यहाँ पे खरगोश ने क्या देखा, एक लोमड़ी को उसकी ओर आते हुए। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द रैबिट स्टार्ट रनिंग, खरगोश स्टार्ट रनिंग मतलब भागने लगा। अगर वो भागना शुरू किया तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टेड का यूज होगा, ठीक है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, यानी खरगोश भागने लगा, खरगोश भागने लगा, ठीक है। द फॉक्स रिलाइज, रिलाइज का मतलब होता है एहसास होना, ठीक है, एहसास का बोलते हैं रिलाइज, यानी खरगोश को एहसास हुआ। ये भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, भर्व का सेकंड फॉर्म, यानी रिलाइज का क्या है, रिलाइज मीन्स होता है एहसास ना, इसका क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी रिलाइज, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। खरगोश को एहसास हुआ, लोमड़ी को एहसास हुआ, लोमड़ी को एहसास हुआ। दैट का होता है कि, ठीक है, लोमड़ी को एहसास हुआ कि ही वुड नॉट बी एबल, वह सक्षम नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे सी लगा है, सी का क्या होता है, वह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉट बी एबल, नॉट बी एबल क्या होता है, समर्थता दिखाने के लिए होता है, क्या नॉट बी एबल का यूज करते हैं, यानी वह पकड़ नहीं पाएगा, वह पढ़ नहीं पाएगा, वह दौड़ नहीं पाएगा,
ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट बी एबल टू रनिंग, नॉट बी एबल टू रीड, नॉट बी एबल टू कॉज, मतलब कहने का मतलब ये है कि एबल का जो होता है यानी एबल टू का जो यूज होता है ना, वो सक्षमता यानी उसकी जो क्षमता है वो दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट बी एबल मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं नॉट बी एबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उससे नॉट बी एबल, ही वुड नॉट बी एबल टू कैच, उससे या फिर वह नहीं पकड़ पाएगी, टू हिम उसे, वह नहीं पकड़ पाएगी, कैच मींस होता है पकड़ना, ठीक है, वह नहीं पकड़ पाएगी, यहाँ पे हिम है, हिम का क्या जाएगा उसे, ठीक है, वह उसे नहीं पकड़ पाएगी, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। सो इसलिए या फिर तो, ही मेड ए प्लान, योजना बनाई, योजना बनाना का होता है मेड ए प्लान, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए का ना हम लोग क्या करते हैं तो के लिए भी यूज करते हैं, और इसलिए के लिए भी हम लोग क्या करते हैं सो का यूज करते हैं, इसलिए ही मेड ए प्लान, उसने योजना बनाई, उसने योजना बनाई, यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसी तरह आगे देखते हैं क्या होता है, आगे की ओर देखें तो क्या जाएगा, डियर पेरेंट्स, देखिए अब उसने क्या योजना बनाई, अब योजना के बाद क्या करता है, अब जो लोमड़ी था उसने योजना बनाया, उसके बाद वो क्या बोलता है, देखिए डियर फ्रेंड यानी प्यारे मित्र, डियर फ्रेंड क्या होता है, प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे मित्र, ठीक है, सी सेड, उसने कहा, उसने कहा, किसने कहा, लोमड़ी ने कहा, ठीक है, सी सेड, लोमड़ी ने कहा, डोंट बी अफेयर्ड ऑफ मी, डोंट बी अफेयर्ड मतलब डरो मत, अफेयर्ड में सुनते क्या डरना, यहाँ पे लग गया डोंट बी है, इसलिए क्या आ जाए, डरो मत ऑफ मी, मुझसे या फिर मेरे से डरो मत, ठीक है, मुझसे डरो मत, ठीक, यहाँ तक हो गया। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, डब्ल्यू एन टी वॉन्ट मीन्स क्या होना है, चाहता होता है, ठीक है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, टू मेक यू ए फ्रेंड, बनाना तुम्हें अपना दोस्त या फिर एक दोस्त, ठीक है, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें दोस्त बनाना, तुम्हें दोस्त बनाना, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। द रैबिट गॉट ट्रैप्ड इन द फॉक्स स्वीट वर्ड एंड ही बिकेम ए फ्रेंड, रैबिट यानी खरगोश गॉट ट्रैप मतलब फंस गया इन द फॉक्स स्वीट वर्ड यानी लोमड़ी के, यहाँ पे प्रोटोफिस एस लगा है तो क्या जाएगा, लोमड़ी के स्वीट वर्ड यानी मीठी बातों में, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, खरगोश गॉट ट्रैप मतलब होता है फंस जाना, ठीक है, फंस जाना का होता है गॉट ट्रैप, इन मतलब होता है मैं, खरगोश फंस गया या फिर खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में फंस गया, लोमड़ी की मीठी बातों, मीठी बातों में फंस गया, ठीक है, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एंड और ही बिकेम ए फ्रेंड, बिकम मतलब क्या, हो गया बन गया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बिकम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बिकम की जगह पे बिकेम है, इसलिए क्या बन गया, ठीक है, वह बन गया ए फ्रेंड मतलब दोस्त, और वह दोस्त बन गया, और वह क्या हुआ दोस्त बन गया। आपको उम्मीद करते हैं कि ट्रांसलेशन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन समझ में आएगा और कहानी भी समझ में आएगा, ठीक है। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन, द फॉक्स यानी लोमड़ी इनवाइटेड मतलब क्या होता है, आमंत्रित किया या फिर निमंत्रित किया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन्वाइट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इन्वाइटेड लिखा हुआ, यानी ये सब ये भर्व का सेकेंड का, इन्वाइट का ये क्या है सेकेंड फॉर्म है, यानी आमंत्रित किया, ठीक है, एक दिन लोमड़ी ने आमंत्रित किया द रैबिट यानी खरगोश को फॉर लंच यानी
डिनर के लिए लंच मिस क्या होता है, दोपहर का खाना को बोलते हैं लंच, यानी दोपहर के खाने के लिए खरगोश ने क्या किया, आमंत्रित किया। वन डे का मतलब होता है एक दिन, एक दिन द फॉक्स इन्वाइटेड, यानी लोमड़ी ने आमंत्रित किया खरगोश को दोपहर के खाने के लिए, ठीक है। लोमड़ी ने खरगोश को दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया। लंच मिस होता है दोपहर के खाना, ठीक है, दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, आमंत्रित किया, ठीक है, और क्या किया, द फॉक्स लोमड़ी गिव मिस होता है देना, गिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है गैब, ठीक है, GIVE, गिव मिस होता है देना, यहाँ पे गिव का क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा दिया, लोमड़ी ने दिया हिम उसे a bowl full of carrot juice, बॉल मिस होता है कटोरा, ठीक है, फुल मतलब क्या भरा हुआ, ऑफ कैरेट जूस यानी गाजर के जूस से भरा हुआ क्या कटोरा उसे दिया, ठीक है। लोमड़ी ने गाजर के जूस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाजर के जूस से भरा हुआ कटोरा दिया, ठीक है। लोमड़ी ने क्या किया, गाजर से भरा कटोरा खरगोश को दिया। आगे देखें, आफ्टर ड्रिंकिंग मतलब पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग कैरेट जूस, पीने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है पीना, ड्रिंकिंग मतलब होता है आफ्टर मतलब होता है क्या बाद में, और ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, ठीक है, ये पार्ट पार्टिसिपल से एक्चुअली है, ठीक है, यानी पीने के बाद गाजर का जूस पीने के बाद द रैबिट सेड यानी खरगोश ने कहा, पीने के बाद गाजर का जूस पीने के बाद, ठीक है, द रैबिट सेड यानी खरगोश ने कहा डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, ठीक है, व्हाट हैव यू मेड फॉर लंच, लंच के लिए या फिर दोपहर के खाने के लिए क्या बनाया, ठीक है, व्हाट हैव यू, ठीक है, मेड फॉर लंच यानी दोपहर के खाने के लिए क्या बनाया, ठीक है। सेइंग दिस द फॉक्स यानी यह कहते ही फॉक्स यानी लोमड़ी ने क्या, सेइंग दिस द फॉक्स यानी लोमड़ी ने कहते हुए, यहाँ पे कुछ छूट गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि कच्चा मीट मतलब आज खाऊंगा, ठीक है, ये लिखा हुआ था, यहाँ पे ये छूट गया, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं इसको समझ, ठीक है। सेइंग दिस मतलब यह कहकर लोमड़ी ने पंच ऑन हिम उसके ऊपर क्या हुआ, झपट्टा मारा, यह कहकर लोमड़ी उसके ऊपर झपट्टा मारा, ठीक है, एंड ईट हिम और उसे खा गया, एट यहाँ पे क्या, ईट का क्या सेकेंड फॉर्म है, एट हो जाएगा, ठीक है, एंड एट हिम उसे खा गया, और उसे खा गया। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहेगा, क्योंकि आप मैं चैनल पे वर्ड मीनिंग फ्रेजेस, डेली यूज स्पोकन वर्ड, डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस और जो भी ट्रांसलेशन का वीडियो होता है, कहानी का वीडियो होता है, मैं लाता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो में यहाँ तक, फिर अगली वीडियो में यहाँ तक के लिए जय हिंद।